क्रिकेट जगत में मैच फिक्सिंग संबंधित विवादास्पद आरोप और प्रत्यारोपों के बीच मनोज प्रभाकर ने जिस तरह से खुलकर हमला शुरू कर दिया है, उससे पूरे घटना चक्र में नई सनसनी पैदा हो गई है। पहले तो मनोज प्रभाकर जबानी आरोप लगा रहे थे और अब जब वो मैच फिक्सिंग संबंधित वीडियो फिल्म भी दिखा चुके हैं तो इस दिशा में उंगली उठना लाजमी है। मनोज प्रभाकर के निशाने पर भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान प्रशिक्षक एवं पूर्व कप्तान कपिल देव हैं, लेकिन शक की सुइयां अजहर और अजय जडेजा की ओर भी हैं। प्रभाकर द्वारा दिखाए गए वीडियो फिल्म में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान सचिव जयवंत लेले जिस तरह से मैच फिक्सिंग के बारे में अजहर, जडेजा और कपिल देव को दोषी मानते हैं, वो चौंकाने वाला है, क्योंकि कथन बोर्ड के एक महत्वपूर्ण अधिकारी का है। वहीं इस वीडियो फिल्म में मुंबई के पुलिस आयुक्त राकेश मारिया तो अजहर को आपराधिक प्रवृत्ति का मानते हैं। मारिया के अनुसार सट्टेबाजों के संबंध अंडरवर्ल्ड से भी हैं और उनकी पकड़ काफी मजबूत है। महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियों और प्रशासकों के बीच मनोज प्रभाकर द्वारा दिखाए गए इस वीडियो फिल्म में रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, नवजोत सिद्धू और किरण मोरे के अलावा बोर्ड और क्रिकेट से जुड़े कई पूर्व और वर्तमान शख्सियत भी हैं। चेहरों के बयानों में अगर कोई बहुत भी सच्चाई है तो वो भी यह मुद्दा अत्यंत शोचनीय है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश जारी है। सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है और मैच फिक्सिंग के अलावा अब वह टेलीविजन प्रसारण संबंधी अनियमितताओं के खिलाफ भी मामला दायर करने की सोच रहे हैं। बस आवश्यकता है तो शत प्रतिशत ईमानदारी की, क्योंकि इस विवाद पर पड़े पर्दे के पीछे भी कई पर्दे हैं।